साथियों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं शीशम की वृक्ष के बारे में, और वो किस तरह के होते हैं, उसकी कैसे पहचान किया जा सकते हैं, उससे क्या क्या फायदे हैं, उसके बारे में आज पूरी डिटेल से जानेंगे। अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो इस सनी चस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटे को ऑल में सेलेक्ट कीजिए, और अधिक से अधिक किसान साथियों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो साथियों, आप लोग ये वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है शीशम की वृक्ष, यहाँ देख सकते हैं उसकी जो पहचान, जैसे ये देख सकते हैं, यह है शीशम की वृक्ष, और इसकी किस तरह से पहचान किया जा सकता है आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये शीशम की पत्ते हैं, तो इसकी पहचान के लिए एक यह है, जैसे ये देख सकते हैं, ये पत्ते जो है, ये पत्ते हैं, इसकी जो पत्ते नीचे साइड जो है थोड़ा नुकीला होते हैं, देख सकते हैं, नजदीक से ये देख सकते हैं, नुकीले होते हैं और ऊपर साइड भी नुकीले होते हैं, और पत्ते जो है पूरा एकदम मुलायम होते हैं, देख सकते हैं पूरी तरह से। और इसकी जो है फल, अगर देखा जाए तो फल की जो इसमें अभी छोटा है, ये जो फल है जैसे देख सकते हैं, इसमें एक से दो बीज होते हैं, और बहुत ही आसान से इसको पहचान किया जा सकता है। तने इस तरह से होते हैं, देख सकते हैं ऊपर की साइड, ये है उसकी पत्ते। तो साथियों, ये तो हो गया इसकी पहचान, किस तरह से पहचान किया जा सकता है और उसके पत्ते कैसे होते हैं। तो पत्ते से आसानी से इसको पहचान किया जा सकता है। तो इनकी जो फायदे को देखा जाए तो ये बहुत प्रकार के इनकी फायदे होते हैं। जैसे इसकी फायदे नंबर वन को देख सकते हैं, जैसे इसकी पेड़, जैसे तने देख सकते हैं यहाँ पर कितने लंबे हैं और कितने हाइट तक गया है, देख सकते हैं ऊपर तक। तो इसकी पेड़ से बहुत प्रकार के फर्नीचर बनते हैं, और तरह तरह के इसमें महंगे महंगे फर्नीचर बनते हैं, और इससे आप बेच करके अच्छे खासे पैसा कमा सकते हैं। और इससे लोग जो किसान लोग जो इसकी खेती करके अच्छे खासे पैसा कमाते हैं। और इसकी देखा जाए तो इसकी अगर आप पेड़ की रोपाई करते हैं तो 15-20 फीट की दूरी पर इनको रोपते हैं, तो आपकी जो पेड़ की ग्रोथ जो है अच्छे देखने को मिलते हैं। तो कि साथियों, जितने ही मोटा इसकी पेड़ होते हैं और जितने ऊंचा होते हैं उसमें आपकी फायदा ही है, और इससे फर्नीचर बनते हैं। ये तो फायदे नंबर वन हो गया। तो फायदे नंबर टू को अगर देखा जाए, जैसे कि ये पत्ते जो दिखाए, यहाँ पर जो पत्ते हैं, ये पत्ते हैं, इस पत्ते से आयुर्वेदिक जो फायदे हैं, तो ये जो पत्ते हैं, इस पत्ते से आपकी जो आँख की जो धुंधलापन या आँख की जो दर्द कर होते हैं, आपकी आँख में अगर किसी प्रकार की दर्द हो जाते हैं, तो इसको आप पीस करके इसको इसके रस को थोड़ा आपका इसमें आप मालिश कीजिए, उससे कूट करके मतलब पीस करके दीजिए, तो बिल्कुल सही है, वो आँख की दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। वो आप कम से कम 3-4 दिन तक आप इसकी उपयोग कीजिए, तो वो आपकी बिल्कुल से वो दर्द ख़त्म हो जाएंगे। तो ये तो नंबर टू हो गए फायदे के लिए इस पत्ते से। और नंबर थ्री, जैसे आप फायदे देखेंगे किसी पशु की या बकरियों की जो थन होते हैं, उस थन में क्या होते हैं कि दूध जो है नहीं निकलने लगते हैं, तो इसको आप लगा करके क्या होंगे कि उससे लगा देंगे तो वो उसकी दूध की जो रास्ता है वो दूध आराम से वो निकलने लगते हैं, थन की जो बीमारी होते हैं इससे पूरी तरह से वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हो गए आपकी कुछ छोटे मोटे इनके फायदे जो हैं, और इससे जो है आप जानकारी, अगर इसकी शीशम के बारे में पूरी जानकारी आप लोग को पार्ट टू में ज़रूर से ज़रूर आप लोग को देंगे। और ये जो थे आप लोग का बहुत ही छोटा वीडियो था, छोटा वीडियो में आप लोग को बहुत प्रकार की समझने का जानकारी प्राप्त हुआ आप लोग को। तो आज के इस वीडियो में यहीं पर अंत करते हैं, और वीडियो को पसंद आए तो कमेंट कीजिए। तो चलिए, आज की वीडियो यहीं पर अंत करते हैं। धन्यवाद।